इस समय उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता। सांसद रितेश पांडे के पिता यूपी में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। राकेश पांडे बीएसपी के बड़े नेताओं में से एक। राकेश पांडे बीएसपी के पूर्व सांसद भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा में हुए शामिल। यूपी में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। राकेश पांडे बीएसपी के बड़े नेताओं में से एक है। राकेश पांडे बीएसपी के पूर्व सांसद भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को मिली सफलता। सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा में हुए शामिल। यूपी में बीएसपी को लगा झटका। देखिए, तमाम जो अब सियासत में बिल्कुल खुलकर एक जो पलायन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस फायदे को देखते हुए हो रहा है कि कौन पार्टी कितने बड़े अस्तित्व में उभरने वाली है, और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी में भी पलायन होने लगा है। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे हैं, बीएसपी में पलायन हो रहा है, कांग्रेस में भी एक देखा जा रहा है कि कैसे इस बार जो कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह जीता जा सकता है। और इसी कड़ी में बीजेपी के बाद बड़ी टक्कर में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के कई नेताओं का जुड़ाव, और अब समाजवादी पार्टी से जो जुड़ने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए सफलता भी और एक आत्मविश्वास भी। चुनाव से पहले जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और कई दलों के लोग आकर मिल रहे हैं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज तिवारी, विशेष संवाददाता। अनुज तिवारी, ये जो समाजवादी पार्टी में आने का सिलसिला है नेताओं का, दरअसल समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि अब बीजेपी के बाद जो ताकतवर हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो सपा है? अनुज, आवाज मिल रही है आपको? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने काफिले को बढ़ाती हुई लगातार, अखिलेश यादव एक एक चाल सदी हुई और आत्मविश्वास से रखते हुए राकेश पांडे को आज समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। इसी कड़ी में इससे पहले भी बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी के बाद सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है। ऐसे में जो काफिला है वो लगातार बढ़ता हुआ, और आज उसी काफिले में राकेश पांडे बीएसपी के बड़े नेताओं में से एक है शुमार हो गए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।